राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी निर्माण को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, जिसे लेकर जब हमारे रायपुर के संवाददाता ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत से बातचीत की है तो सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। साइंस कॉलेज मैदान के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूर्व मंत्री है राजेश मूणत वो धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन पर जो चौपाटी बनाए जा रहे हैं उनका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तकिया है जिसमें लगातार लिखा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों का जो व्यवसायीकरण करना है वो बंद किया जाए। लगातार ये सरकार से यहाँ जो तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता और राजेश मूणत जी है वो लगातार अपील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त कल से ही अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ पर राजेश मूणत जी और उनकी पूरी जो कार्यकर्ताओं की टीम है वो लगातार यहाँ पर बैठी हुई है और ये अनिश्चितकाल धरना है। पूरे मसले में हम सीधे इनसे ही बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या ये धरने का मतलब है। जी देखिए, ये शैक्षणिक परिसर है, हजारों की संख्या में यहाँ लोग शिक्षण संस्थान के अंदर एजुकेशन लेने आते हैं। यहाँ NIT है, यहाँ साइंस कॉलेज है, यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज है, यहाँ संस्कृत कॉलेज है, यहाँ UTD है, वो यहाँ रविशंकर विश्वविद्यालय का कैंपस है बहुत बड़ा। उस जगह पर ऑलरेडी पहले से हर कैंपस के अंदर कहीं ना कहीं जाके कैंटीन वगैरह सबकी सुविधा रहती है। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात है कि शहर का एक प्रमुख ग्राउंड बचा है जिसको हम साइंस कॉलेज ग्राउंड के रूप में जानते हैं। यहाँ खेल की गतिविधियाँ होती है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बना हुआ है एस्ट्रोटर्प के साथ में, यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक ऑडिटोरियम बना हुआ है जहाँ पर ऑलरेडी क्राउड रहता है। ऐसी जगह जाकर के आप जाकर के एक चौपाटी बसा रहे, वो भी यूथ हब के नाम पर। इस शहर के अंदर ऐसी कई हजारों जगह जहाँ चौपाटियाँ पहले से चल रही है, क्यों यहाँ एजुकेशन हब के अंदर ला करके आप चौपाटी बसाना चाहते हैं? एक तो ये मास्टर प्लान के विपरीत है, क्योंकि एजुकेशन हब में कोई भी चौपाटी जैसी व्यवस्था स्थायी स्ट्रक्चर बना करके दुकानें का व्यवसायीकरण नहीं हो सकता। ये खेल के लिए आरक्षित जगह है, वहां पर ला करके चौपाटी। और दूसरा कि नगर निगम के क्षेत्र में जब स्मार्ट सिटी योजना के तहत काम कर रहे हैं तो स्मार्ट सिटी के CPT एरिया में ये नहीं आता है। जब वो उसमें आता नहीं तो नगर निगम ने कैसे तय कर दिया, स्मार्ट सिटी ने कैसे तय कर दिया कि उस पैसे का उपयोग यहाँ कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। गलत जानकारी देके अधिकारियों ने जिस प्रकार का खेल खेला है, ये पैसे का अफवाह है। और आज हमारी मांग है कि यहाँ पर बच्चों के लिए अगर आप चाहते हैं तो ओपन यहाँ पर अच्छे से लाइब्रेरी बना दीजिए, वाईफाई लगा दीजिए ताकि बच्चे लोग बढ़िया पढ़े, थम सिस्टम लगा दीजिए। यहाँ पर नालंदा परिसर हमने बनाया, तो नालंदा परिसर में 2000 वेटिंग है, वो बच्चे पढ़ेंगे, उनका भविष्य बनेगा। यहाँ ऐसी कोई चीज की गतिविधियाँ नहीं होना चाहिए जिसमें अड्डेबाजी लोग आकर के बैठे। जहाँ पर अगर सामाजिक तत्व आकर के बैठेंगे तो घटनाएं घटेगी, छेड़खानी से लेकर अवैध धंधे चालू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं नशीले पदार्थ, जो पूरा शहर धीरे धीरे नशीले पदार्थ की ओर बढ़ते जा रहा उसके लिए वो हो जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि शासन को एजुकेशन सेक्टर में कहीं पे भी हो किसी प्रकार की चौपाटी लेकर के नहीं आना चाहिए। गार्डन के अंदर चौपाटियां लेकर के आ गए, पूरे रायपुर के जितने गार्डन उन गार्डनों में चौपाटी, क्या रायपुर का पूरा व्यवसायीकरण करके न्यूसेंस वैल्यू को बढ़ावा देने का काम ये सरकार कर रही है?